नमः शिवाय। बहुत से शिव सेवक ऐसे हैं जो शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? इस बारे में शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। कोटि रुद्र संहिता में पंचम खंड के शिवरात्रि के व्रत के उद्यापन की विधि बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि किन शब्दों में शिवरात्रि व्रत के उद्यापन का वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक दिव्य मंडल बनाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तोभद्र मंडल की रचना करें, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने का होना चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। बाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतिजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नित्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात शिवधि होम करें, फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें, फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋतविजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दें कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। देवे देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि मया भक्तनुसारेण व्रत मे तत् कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यतु प्रसादत्व शंकर अज्ञानादधिवा ज्ञानाद जप पूजदिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। इसका तात्पर्य यह है, देव देव महादेव शरणागत वत्सल
देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि पूर्ण हुई। यह विधि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। हे प्रभु भोलेनाथ, जाने अनजाने में जो गलती हो उसे क्षमा करें। आपके चरणों में सशत कोटि कोटि प्रणाम।